बोली गोविंद भगवान के। एक बार की बात है, क्योंकि जीव का बगैर भजन के कल्याण नहीं होगा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में मनुष्य का ना तो योग से ही कल्याण होगा, ना तो खाली यज्ञ से कल्याण होगा। जब तलक हम नाम का स्मरण नहीं करेंगे, तब तलक हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, भक्तों ने बताया है इस कलयुग में, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 24 घंटे में दो चार मिनट अगर हम नाम सुमिरन कर लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में पांच व्यक्ति पहुंचे। उसमें से एक बालक उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज आज हमने एक बहुत बड़ा अचंभा देखा। क्या देखा? कहने लगा, जब मैं तालाब के किनारे गया, सरोवर के किनारे गया, तो मैंने देखा तालाब से एक कछुआ निकला है और कछुए की पीठ पर चार चार अंगुल के बाल उगे हुए हैं। बोलो कि आप लोगों ने कछुए की पीठ पर बाल देखी किसी लोगों ने? स्वामी जी हंसने लगे, बोले बेटा अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कछुए की पीठ पर भी बाल उग जाएंगे, इसमें कोई अचंभा नहीं। दूसरे ने कहा, महाराज इन्होंने क्या अचंभा देखा? हमारे गांव में एक बांझ के पुत्र ने शेर को मार दिया। अरे जब वो बांझ है तो उसके पुत्र कहां होंगे भाई? स्वामी जी ने कहा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर भगवान की कृपा हो तो बांध के भी पुत्र हो जाएगा। तीसरे ने कहा, मैंने कल देखा मेरी मां जो थी वो मिट्टी के घड़े में चार पांच लीटर पानी डाला और मथानी लेकर जब मथने लगी तो उसमें से घी निकलने लगा। स्वामी जी ने कहा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा होगी तो पानी से भी घी निकल आएगा। चौथे ने कहा, इन लोगों ने क्या, मैंने अचंभा देखा, हमारे पड़ोस में सरसों की पिराई वाला कोल्हू लगा है और वो उस कोल्हू में बालू भर करके डाल रहा है, रेता भर भर के डाल रहा है और नीचे से धार बंधकर तेल गिर रहा है। स्वामी जी ने बोले, तो इसमें क्या तूने देखा, भगवान की कृपा होगी तो बालू से भी तेल निकल आएगा। पांचवा उठकर खड़ा हुआ, बोला मैंने ऐसा अचंभा देखा, एक हमारे परिवार में पड़ोस में बड़ा अधर्मी पापी दुराचारी प्रवृत्ति का मनुष्य था और वो सीधे बैकुंठ को चला गया। एकदम तुलसीदास जी चीख पड़े, बोले ये कभी नहीं हो सकता।
पारी मथे घृत होए। इतनी अनहोनी बातें होनी हो जाए, ध्यान करना। बारी मथे घृत होए, सिकता थे बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। इतनी अनहोनी बातें होनी हो जाए, लेकिन भगवान के भजन के बगैर बहुत सिद्ध सागर हम आप पार नहीं होंगे। कमट पीठ जामई बरुबारा, और बंध्या सुत जग काहुई मारा, बांज का पुत्र किसी को मार सकता है, कछुए के पीठ पर केस निकल सकते हैं, लेकिन बगैर परमात्मा के भजन जीव का कल्याण नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से हमें आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, अगर हम इसे वृथा में गंवाएंगे तो 84 का भोग हमको भोगना पड़ेगा। इस 84 से आवागमन किसे कोई नहीं छूटेगा। मैं निवेदन करता हूं, भगवान राम ने शबरी को नौधा भक्ति का ज्ञान दिया और अंत में कह दिया है कि नौ में से जिससे एक भी होती है नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे। भगवान ने नौ भक्ति बताई, पहली भक्ति क्या है, आप लोग बैठे हो दूसरी भक्ति कर रहे हो। प्रथम भक्ति संतन कर संघा, भगति संतन कर संघा, प्रथम भगति संतन कर संघा, प्रथम भगति संतन कर संघा। दूसरी रति मम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। स्वामी जी ने कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का साथ करना, और संत कौन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहुविधि सब संता। आप जितने लोग बैठे हो सब लोग संत, तो प्रथम भक्ति संतन कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतों के साथ में बैठ करके सत्संग में भगवान की कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति है। तो भगवान की कृपा से हमें ये समय जो प्राप्त हुआ है इस